हेलो डियर मदर्स, गर्भावस्था का समय बहुत ही नाजुक होता है। अगर सही खान पान की जानकारी और अन्य माहिती पूर्ति मात्रा में हो तो ये समय बहुत अच्छी तरह से हम पसार कर सकते हैं। खास करके कब क्या खाना है ये प्रेग्नेंट महिला को पता हो तो शिशु के विकास में कभी कमी नहीं आएगी। गर्भावस्था के दौरान कोई दिक्कत नहीं होगी, डिलीवरी भी अच्छी तरह से हो जाएगी और नॉर्मल डिलीवरी के होने के भी चांस बढ़ जाएंगे और शिशु का विकास पूरे 9 महीने तक जितना होना चाहिए उतना होगा और वजन भी अच्छी तरह से बढ़ेगा। इतना ही नहीं, आप अपनी प्रेगनेंसी को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रेग्नेंट महिला को 1 से 9 महीने तक कब क्या खाना चाहिए उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आप इन बातों को जरूर फॉलो करें ताकि आप सही डाइट ले सके और एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे सके। सबसे पहले जानते हैं कि गर्भावस्था के पहले 3 महीने क्या डाइट प्लान होना चाहिए और पहले 3 महीने के दौरान आपको क्या खाना चाहिए। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने तक प्रेग्नेंट महिला को अपने डाइट का बहुत खास ध्यान रखना है, क्योंकि ये समय बहुत ही नाजुक होता है। इस समय केवल संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। गर्म चीजों का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। गर्म चीजें जैसे कि नॉनवेज हो या कोई ड्राई फ्रूट जो ज्यादा मात्रा में हो, तो ऐसी चीजों का सेवन प्रेग्नेंट महिला को बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर करे तो जरूरी जानकारी के साथ करे। इसका अधिक मात्रा में सेवन करने से दिक्कत हो सकती है, गर्भ के लिए नुकसानदायी भी हो सकता है। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने तक प्रेग्नेंट महिला को हरी सब्जियों, दाल, नारियल पानी, दूध और फलों का भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए। हरी सब्जियों में आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जबकि दालें शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा करने का काम करती है। नारियल पानी बॉडी को हाइड्रेट रखने में मदद करता है और दूध बॉडी को कैल्शियम पूरा करता है, जिसे शिशु के विकास में मदद मिलती है। आपका शिशु स्वस्थ रहता है। आप गर्भावस्था के 3रे महीने के बाद यानी 6ठे महीने तक प्रेग्नेंट महिला का डाइट प्लान क्या होना चाहिए, जिसके बारे में हम अभी जानकारी ले लेते हैं। 3रे महीने से शिशु के महत्वपूर्ण अंगों का विकास होना शुरू हो जाता है, जिसके लिए प्रेग्नेंट महिला को भरपूर पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था के लिए ये 3 महीने बहुत ही खास होते हैं, इसलिए इस दौरान कुछ उचित खान पान लेना बहुत जरूरी है। गर्भावस्था के 3रे और 6ठे महीने तक प्रेग्नेंट महिला को बादाम का दूध पीना चाहिए। जरूरी मात्रा में ड्राई फ्रूट जरूरी जानकारी के साथ लेना चाहिए। कच्चा नारियल भी प्रेग्नेंट लेडी खा सकती है, अनार खा सकती है, केला और स्प्राउट भी खा सकती है। पालक और फलों का अधिक सेवन करें, जरूरी दाल भी खाए। यहाँ पे दिए गए जो फूड है जो आप 3रे से 6ठे महीने तक लेते हैं, तो शरीर में कैल्शियम की कमी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। इससे शिशु का विकास भी अच्छा होगा और आपका शिशु स्वस्थ रहेगा। अगर आप ड्राई फ्रूट का सेवन करते हैं तो आपको ताकत मिलेगी, खून की कमी भी नहीं होगी। पालक का सेवन जरूर करें। इन सभी से आप स्ट्रांग बनेगी, आपकी डिलीवरी भी नॉर्मल हो सकती है। ड्राई फ्रूट शिशु के शरीर और मानसिक विकास में मदद करता है। यस, इससे ब्रेन डेवलपमेंट भी होता है, जबकि कच्चा नारियल मॉर्निंग सिकनेस की समस्या को दूर करता है। पालक, अनार और केला शरीर में आयरन और विटामिन और मिनरल्स की कमी को दूर करता है। सही मात्रा में फूड लेने से प्रेग्नेंट महिला का हार्मोनल बैलेंस रहता है, जिससे उसकी प्रेगनेंसी अच्छी तरह से पसार होती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको एक बात याद रखनी बहुत ही जरूरी है कि आपको जितनी भूख हो उतना ही खाना खाना है। ज्यादा खाना खाने से पेट दर्द की भी समस्या हो सकती है और डाइजेस्ट होने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारी जो डाइजेस्ट सिस्टम होती है वो थोड़ी मंद हो जाती है, जिसके कारण पचने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इसलिए जब भी आप खाना खाए उचित मात्रा में खाए। और हाँ, ज्यादा तेल मसालेदार खाना आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। अब बात करते हैं कि गर्भावस्था के लास्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 6ठे से 9वें महीने में प्रेग्नेंट लेडी को क्या खाना चाहिए और उसका डाइट कैसा होना चाहिए। तो 6ठे महीने के बाद शिशु के सभी अंग परिपक्व होने की शुरुआत हो जाती है, शिशु में तेजी से विकास होना शुरू हो जाता है। ऐसे में प्रेग्नेंट महिला को 2 चीजें खानी चाहिए, जिससे शिशु का विकास अच्छे से हो सके और डिलीवरी के समय भी अधिक परेशानी ना हो।
तो गर्भावस्था के 6ठे से 9वें महीने तक प्रेग्नेंट महिला को गाय के शुद्ध घी का रोजाना सेवन करना चाहिए। इससे शिशु का विकास सही तरह से हो सकता है और डिलीवरी में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा आप दूध, दही, मक्खन और पनीर का सेवन जरूर कर सकते हैं, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स आप जरूर यूज करिए लास्ट ट्रेमेस्टर में। ये सभी शिशु के रंग को साफ करने में भी मदद करता है। हालांकि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन इससे हमें जरूरी विटामिन और न्यूट्रिशन जरूर मिलेंगे। गर्भावस्था के लास्ट ट्रेमेस्टर में आप पालक का सूप जरूर पिए और अनार का जूस भी पीना चाहिए, जो शरीर में आयरन की कमी को दूर रखता है और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याओं से भी दूर रखता है। पालक खाने से खून की कमी आपको बिल्कुल भी नहीं होती है। पालक में फाइबर भी होता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन भी बिल्कुल नहीं होगा, जिसके कारण नॉर्मल डिलीवरी के समय अधिक परेशानियां आपको नहीं भुगतनी पड़ेगी। पालक खाने से आपको डिलीवरी के बाद भी खून की कमी नहीं होगी, जिससे माँ और शिशु दोनों स्वस्थ रह सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कुछ सावधानियां बरतनी भी बहुत ही जरूरी है। गर्भावस्था के शुरुआत के 3 महीने में ड्राई फ्रूट और नॉनवेज का यूज हो सके तो कम से कम करें। इसके साथ पपीते और अनानास का भी उपयोग ना करें, क्योंकि ये बहुत ही गर्म होते हैं। शुरुआत के 3 महीने इसे खाने से गर्भावस्था में शिशु को नुकसान पहुंच सकता है। 3रे महीने के बाद 9 महीने तक नियमित रूप से आप फल जरूर खाइए, जिसमें अनानास और पपीते को छोड़कर आप सारे फ्रूट्स खा सकते हैं। फ्रूट्स जो होते हैं वो शरीर में पोषक तत्वों को पूरा करने का काम करता है और आपके शिशु का विकास भी सही तरह से हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी ज्यादा तेल या मसालेदार चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। रात को कम खाना चाहिए। रात को सोने से पहले हो सके तो मिनिमम 3 घंटे से पहले ही आप खाना खा ले, जिससे आपको डाइजेस्ट होने में आसानी हो सके और पेट में गैस भी ना बने। इसके साथ साथ आपको पानी भरपूर मात्रा में पीना चाहिए, जिसके कारण आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ना हो। ताजे फलों का जूस भी आपको पीना है। चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक से आप दूरी बनाए रखें, जो आपके लिए सही रहेगा। एक बात जरूर याद रखें कि जंक फूड और फास्ट फूड 9 महीने तक बिल्कुल भी ना खाए। ये आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। आपके स्वाद को कंट्रोल में रखना प्रेगनेंसी में बहुत ही जरूरी है। अगर आपकी कोई भूल हो जाती है तो आपके शिशु को ये जिंदगी भर भुगतना पड़ सकता है। आशा रखती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।